हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल लेडर। आज हम देखने जा रहे हैं मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर जो कि एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर पूछा जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय पर। ये जो मल्टीप्लेक्सर होता है ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है और मल्टीप्लेक्सर का उपयोग हम कई इनपुट को सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर को अगर हम वन लाइन डेफिनेशन में समझना चाहें तो मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसका उपयोग कई इनपुट लाइंस को एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब कभी हम जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो कई बिट्स में हम इन्फॉर्मेशंस लेते हैं और उन्हें हमें एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करना हो, तो ऐसे कई इन्फॉर्मेशंस को जब सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करना हो तो डिजिटल सर्किट में हमारा ये मल्टीप्लेक्सर यूज़ होता है। तो मल्टीप्लेक्सर का जो हमारा ब्लॉक डायग्राम बनेगा, पहले हम उसे समझते हैं और फिर आगे उसकी कार्यप्रणाली को समझते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर का जो ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम है वो इस प्रकार से है। मल्टीप्लेक्सर मल्टीपल इनपुट्स को सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो मल्टीपल इनपुट होंगे यहाँ पर, ये सारी इनपुट लाइंस है जो कि मोर देन वन होगा, इनपुट लाइंस या आप इनपुट्स कह सकते हैं इन्हें, इनपुट लाइंस हो गया, और सिंगल आउटपुट जनरेट करता है। सिंगल आउटपुट जनरेट करता है, ये हमारा मल्टीप्लेक्सर का काम है। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट लाइन के अलावा एक सेलेक्शन लाइंस होता है, सेलेक्ट लाइंस होता है, जो कि यूज किया जाता है। सेलेक्ट लाइन का यूज किया जाता है इनपुट लाइन में जो हम इन सिग्नल भेज रहे हैं उसके चूज करने के लिए। तो सेलेक्ट लाइन पर जो हम अप्लाई करते हैं डिजिटल कोड, उस पर निर्भर करता है कि वो कौन से इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर सेलेक्शन लाइन, ये जो होता है सेलेक्ट लाइट लाइंस का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये जो तीन भाग हैं, इनपुट लाइंस, सेलेक्ट लाइंस और आउटपुट, इन सभी के कॉम्बिनेशन से जो हमारा तैयार होता है वो मल्टीप्लेक्सर है। और यहाँ पर जो सेलेक्ट लाइंस होते हैं किसी भी मल्टीप्लेक्सर में, वो हमेशा एन सेलेक्ट लाइंस होते हैं और इस n सेलेक्ट लाइंस के आधार पर ही हमारे 2 to the power n फॉर्मूले से इनपुट लाइंस यूज किया जाता है। अर्थात जितने सेलेक्ट लाइंस होंगे उतने सेलेक्ट लाइंस को जब हम 2 की घात में या 2 की घात में चढ़ाएंगे तो जो उसका रिजल्ट आएगा उतने हमारे इनपुट लाइंस होते हैं। और इन सभी इनपुट्स के लिए सेलेक्शन लाइन के थ्रू हम सिग्नल प्रदान करते हैं, डिजिटल इन्फॉर्मेशंस को देते हैं, और जो हम वैल्यू सेलेक्ट लाइन के थ्रू इनपुट करेंगे उस वैल्यू के आधार पर वो इनपुट लेगा और उस इनपुट का आउटपुट हमें यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर के थ्रू जनरेट करेगा। इस मल्टीप्लेक्सर के कार्यप्रणाली को और अच्छे से समझने के लिए हम 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर और 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जिससे हमें इसकी कार्यप्रणाली और अच्छे से समझ में आएगी। तो ये तो हो गया ब्लॉक डायग्राम। अब इसी ब्लॉक डायग्राम को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर को एक्सप्लेन करती हूँ। 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर, 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर का मतलब है 2 इनपुट को कन्वर्ट करेगा 1 आउटपुट पे। यहां पर जो 2 है वो इनपुट लाइन है, सेलेक्शन लाइन नहीं है, इनपुट लाइन है। अर्थात अगर इस 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर का हम ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं तो वो ये कुछ इस प्रकार से होगा कि ये हमारा एक मल्टीप्लेक्सर है और इस मल्टीप्लेक्सर में हमारे 2 इनपुट लाइन है और 2 इनपुट लाइन है, अर्थात सेलेक्शन लाइन क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा और एक सिंगल आउटपुट जनरेट करेगा। तो ये हो गया हमारा आउटपुट, जिसे अगर हम Y से डिनोट करना चाहें तो हम आउटपुट को Y से डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा सेलेक्शन लाइन है, सेलेक्ट लाइन है, जिसे आप S से डिनोट कर सकते हैं, और ये हमारे इनपुट है। अब सेलेक्ट लाइन हमारा 1 है तो हमारा इनपुट कितना हो जाएगा, 2 to the power 1, अर्थात 2 हमारे इनपुट हो जाएंगे। तो एक इनपुट I0 हो गया, एक इनपुट I1 हो गया, ये हमारे इनपुट लाइंस हो गए। तो हमारा जो ब्लॉक डायग्राम था उसके अकॉर्डिंग हमने 2 to 1
मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया है। यहाँ पर एस जो है हमारा सेलेक्ट लाइन है और आई जीरो और आई वन जो है हमारा इनपुट लाइन है और वाई जो है हमारा आउटपुट लाइन है। तो सेलेक्ट लाइन पर अप्लाई किए गए डिजिटल कोड पर निर्भर करते हुए जो हमारा इनपुट डेटा सोर्स है इससे को एक भी जिसमें से आप जिसको भी सेलेक्ट करेंगे उसके आधार पर हमको क्या होगा आउटपुट जनरेट होगा। देखिए इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा। ट्रुथ टेबल इस प्रकार से बनेगा। इनपुट आउटपुट, आउटपुट वाई है, इनपुट क्या है यहां पर एस है। चूंकि एस इनपुट है तो हमारा कॉम्बिनेशन कितने तैयार हो रहे हैं, दो कॉम्बिनेशन तैयार हो रहे हैं, पहला जीरो और दूसरा वन। जब हमने जीरो सिलेक्शन लाइन के थ्रू जब हमने जीरो इंफॉर्मेशन को या जीरो को डेटा को हमने इनपुट किया तो हमारा आई जीरो के थ्रू आउटपुट जनरेट होगा, और जब हमने वन को सिलेक्शन लाइन के द्वारा वन डेटा को हमने इंसर्ट किया तो आई वन के द्वारा हमें आउटपुट प्राप्त होगा। मतलब आई वन इनपुट डेटा के लिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पर आउटपुट मिलेगा और आई जीरो इनपुट डेटा के लिए हमें आउटपुट मिलेगा। तो हमें किस वाले इनपुट लाइन से आउटपुट जनरेट होगा या किस इनपुट लाइन के लिए आउटपुट जनरेट हो रहा है ये हमें किससे पता चल रहा है, सेलेक्ट लाइन से। सेलेक्ट लाइन की जो भी आप डिजिटल वैल्यू आप इंसर्ट करेंगे उसके आधार पर हमारा आउटपुट जनरेट होता है और उस इनपुट लाइन का आउटपुट जनरेट होता है। तो ये हो गया हमारा 2-to-1 मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम और ट्रुथ टेबल। इसका जो कॉम्बिनेशनल सर्किट तैयार होता है वो इस प्रकार से है। यहाँ हमारा अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसका जो कॉम्बिनेशनल सर्किट तैयार होता है, दो इनपुट है हमारे, एक है आई जीरो, कॉम्बिनेशनल सर्किट, इसमें दो इनपुट है, एक आई जीरो और एक आई वन। आई जीरो और आई वन दोनों ही इनपुट में हमारा क्या जा रहा है, सिलेक्शन लाइन एस जा रहा है। सिलेक्शन लाइन एस जो जा रहा है वो इस प्रकार से है। तो देखिए जब हम एस से जीरो अप्लाई कर रहे हैं अर्थात हमने एस से क्या दिया है, जीरो इनपुट किया है, तो वो एस से जीरो इनपुट आई जीरो पे जा रहा है और आपको यहाँ पर हमने एक एंड गेट लगाया और ये हमारा आई जीरो के लिए यूज किया जा रहा है। और आई वन में हमारा क्या जा रहा है, वन जा रहा है अर्थात एस इनपुट जा रहा है, यहाँ से वन से इनपुट जा रहा है, तो यहाँ पर भी हमने एंड गेट अप्लाई किया, दोनों में हमने यहाँ पर और गेट अप्लाई कर दिया और फाइनली जो हमारा आउटपुट आएगा वो एक आउटपुट में कन्वर्ट होगा। तो आई जीरो और आई वन हमारे इनपुट लाइन है, एस यहाँ पर सिलेक्शन लाइन है। एस से जब हमने जीरो पास किया तो आई जीरो के इनपुट इन्फॉर्मेशन को लेते हुए वो आउटपुट जनरेट करेगा और जब एस से हमने वन ट्रांसफर किया तो आई वन के इन्फॉर्मेशन को लेते हुए वो आउटपुट जनरेट करेगा। तो इस प्रकार से कोई भी मल्टीप्लेक्सर हमारा वर्क करता है। ये हुआ हमारा 2-to-1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक इसी प्रकार से हम 4-to-1 मल्टीप्लेक्सर को भी समझते हैं। 4-to-1 मल्टीप्लेक्सर में क्या चेंज हो जाएगा, 4-to-1 अर्थात 4 इनपुट लाइन होंगे जिन्हें 1 आउटपुट लाइन में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसका जो ब्लॉक डायग्राम है और ट्रुथ टेबल है और कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो कुछ इस प्रकार से होगा। जब 4 इनपुट को सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करना हो तो हम 4-to-1 मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं और इसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो इस प्रकार से बनेगा। 4 हमारे इनपुट लाइन हो गए, 1, 2, 3 और 4। दो हमारे सिलेक्शन लाइन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 2 सिलेक्शन लाइन है तभी 2 to the power 2 हुआ है, 4 हमारा क्या हुआ है, इनपुट लाइन हुआ है। तो हमारे दो सिलेक्शन लाइन हो जाएंगे, एक हो गया S1 और एक हो गया S0 और 4 इनपुट लाइन हो गए क्रमशः I0, I1, I2 और I3। जब ये मल्टीप्लेक्सर से निकलेंगे तो हमारे एक आउटपुट जनरेट होगा और वो होगा हमारा Y। तो ये हमारे सिलेक्शन लाइन हो गए, सेलेक्ट लाइंस, और ये हमारे इनपुट लाइंस। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम हो गया
4:1 मल्टीप्लेक्सर का। इस 4:1 मल्टीप्लेक्सर की अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो ये इस प्रकार से बनेगा, 4:1 है, अर्थात जो हमारा इनपुट है और जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट पे हमें y मिलेगा, इनपुट में हमारे दो इनपुट है, हमारे सिलेक्शन लाइन दो है, S1 और S0, और इस S1 और S0 पर आप जो भी डिजिटल कोड अप्लाई करेंगे उस डिजिटल कोड पे निर्भर करते हुए हमारा जो इनपुट डेटा सोर्स से सेलेक्शन किया जाएगा, इनपुट डेटा सोर्स को सेलेक्ट किया जाएगा और उस इनपुट डेटा सोर्स का ही आउटपुट हमें y में मिलेगा। तो यहाँ पर जब हमारे चार इनपुट लाइन है तो जो हमारे कॉम्बिनेशन होंगे वो 0 0 1 1 0 1 0 1, और यहाँ पर जब दोनों सिग्नल हमारे जो दोनों हमारे सेलेक्शन लाइन है इसमें S1 और S0 दोनों की वैल्यू 0 0 होगी तो हमारा I0 का जो इनपुट डेटा है उस पर हमें आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर हमें I0 पर के इनपुट डेटा का आउटपुट मिलेगा, यहाँ पर I1 के इनपुट डेटा पर आउटपुट मिलेगा, यहाँ पर I2 के इनपुट डेटा पर आउटपुट मिलेगा और यहाँ पर I3 के इनपुट डेटा पर आउटपुट मिलेगा। किस इनपुट डेटा पर या किस इनपुट लाइंस के डेटा पर हमें आउटपुट मिल रहा है ये हमें पता चल रहा है सिलेक्शन लाइन के वैल्यू से। तो ये जो हमारा ट्रुथ टेबल हो गया ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि 4:1 मल्टीप्लेक्सर किस प्रकार से आउटपुट को जनरेट करता है या कन्वर्ट करता है। इसका जो कॉम्बिनेशनल सर्किट तैयार होगा वो इस प्रकार से होगा, यहां पर हमारे दो हमारे इनपुट है S1 और S0, साथ ही साथ हमारे आउटपुट कितने हैं, चार है, I0 I1 I2 और I3, ये हमारे इनपुट लाइन हो गए और ये हमारे सिलेक्शन लाइन हो गए। सिलेक्शन लाइन में हमने नॉट गेट को भी ड्रॉ कर लिया है क्योंकि जब वैल्यू जीरो होगी तो यहां से आएगी वैल्यू और जब वन होगी तो S1 और S0 से डायरेक्ट आएगी। देखिए जब सबसे पहला S1 और S0 की वैल्यू क्या है, S1 की वैल्यू है 0 और S0 की वैल्यू है 0, तो S1 और S0 की वैल्यू जब 0 है तो हमारा जो I0 है वो इनपुट उस इनपुट डेटा पर हमें आउटपुट मिल रहा है, मतलब I0, तो S1 और S0 दोनों ही 0 है तो ये 0 के लिए ये हमारा गया 0 और ये हमारा गया 0 और यहाँ हमने एक एंड गेट अप्लाई कर दिया। दूसरा हमारा S1 क्या है, 0 है और S0 क्या है, 1 है, तो S1 तो 0 है अर्थात ये हमारा I1 के लिए ये S1 तो जो है हमारा 0 है, ये 0 लाइन जा रहा है, हमने ये ले लिया, ये I1 हो गया, पर जो हमारा S0 है वो क्या है, 1 है, तो S0 हमारा 1 हो गया, ये 1 वाला लाइन हमने ले लिया और यहाँ हमने एक एंड गेट अप्लाई कर दिया। I2 के लिए देखिए I2 में क्या है, जब हमको I2 इनपुट लाइन के थ्रू आउटपुट मिल रहा है तो हमने सिलेक्शन क्यों कैसे कब मिल रहा है, जब आपने सेलेक्ट लाइन में S1 में 1 सिग्नल और S0 में 0 सिग्नल पास किया है, तो 1 और 0, तो 1 के लिए S1 में 1 है मतलब ये वाली जो लाइन है ये चली जाएगी I2 के साथ, और S0 में क्या जा रहा है, 0 जा रहा है मतलब ये वाला, और यहाँ आपने एक एंड गेट अप्लाई कर दिया। I3 में S1 और S0 दोनों की वैल्यू 1 और 1 है, तब I3 इनपुट लाइन के लिए हमें आउटपुट जनरेट हो रहा है, तो दोनों में 1 और 1 है मतलब ये 1 वाली लाइन है हमारी, ये हो गया I3 का, और ये 1 वाली लाइन हो गई ये और ये, यहाँ हमने एंड गेट लगा दिया और चारों एंड गेट से जो आउटपुट जनरेट हुआ है उसमें हमने एक और गेट लगा दिया, तो फाइनली जो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो मल्टीप्लेक्सर के लिए तैयार हो गया जो कि 4:1 मल्टीप्लेक्सर को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से अगर एग्जाम में मल्टीप्लेक्सर को पूछा जाता है तो पहले मल्टीप्लेक्सर होता क्या है, उसका जो ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम तैयार होता है इसे बताने के साथ साथ हम एग्जाम्पल के तौर पर 2:1 या 4:1 मल्टीप्लेक्सर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या पर्टिकुलर अगर एग्जाम में पूछ लिया कि 2:1 या 4:1 मल्टीप्लेक्सर को एक्सप्लेन कीजिए तब आप पर्टिकुलर उस मल्टीप्लेक्सर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं।